मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट डेज है। यहाँ पे आकर इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, डांस करके, सिंग करके बहुत अच्छा लगा। आई गेस दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट दिस ईयर। तो होता ही रहता है, उसके बारे में नहीं बात करते। आई डोंट वॉन्ट लाइक पिटी लाइक दैट। आई गेस सब बीमार पड़ते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, सो इट्स फाइन। मैं आई हैव एक्चुअली डन परफॉर्मेंसेज, बिग बिग परफॉर्मेंसेज विद लाइक लॉट्स ऑफ हर्ट्स एंड इंजरीज, बट यू हैव टू हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आई गेस। जी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीपल इन नीड, पीपल हु आर डिजर्विंग, दे हेल्प देम, दे हेल्प देम मूव अहेड इन लाइफ, दे गिव देम करियर्स, ऑल्टरनेट करियर्स। सो आई फील ग्रेट टू बी एसोसिएट, टू बी लाइक अ टाइनी लिटिल पार्ट ऑफ समथिंग एज नॉवल एज दिस। और उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और मेरे बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहें। आई गेस especially now more than ever we need many organizations like this, because you know the population of our country, everybody knows, is huge, and there are way too many people who are very very talented and who are very very intelligent and who probably need a little bit of push, lots of help. So yes, we should thank them and be grateful to people like Smile, organizations like Smile Foundation. मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं। आई एम अ गॉड मदर टू ऑल माई फ्रेंड्स चिल्ड्रेन, एंड तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उनसे इंटरेक्ट करके। मैं मुझे आप दिन भर भी उनके साथ छोड़ देंगे तो आई विल बी कम्प्लीटली ऑल राइट। आई कैन गो ऑन प्ले डेट्स, आई कैन यू नो चिट चैट विद देम, आई कैन एक्चुअली बिकम देयर फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। कुछ नहीं एक्चुअली, यू नो मोस्टली आई लाइक टू ट्रैवल ऑन माई बर्थडे, आई लाइक टू गो अवे, बिकॉज इनिशियली बहुत बहुत सालों पहले मैं कभी कभी थोड़ा पार्टी थ्रो करती थी, एंड देन मुझे बहुत मुझे खुद लगता था ऐसे कि मुझे थोड़ी सी कैसे बताऊँ मैं, यू नो आपका बर्थडे है तो आई गेस मुझे खुद थोड़ा इंटरनलाइज करना पसंद है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि सोशलाइजिंग तो हम मंथ के साल के दूसरे दिन भी करते हैं, तो इट्स बेटर दैट इट्स योर बर्थडे, इट्स योर न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। सो आप इंटरनलाइज ज़्यादा करो, थोड़ा दूर रहो कहीं एक दो लोगों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, बस एक दिन ही है, वो निकल तो जाता ही है, इट कम्स एंड इट गोज। सो बट आई लाइक टू नॉट पार्टी ऑन माय बर्थडे नाउडेज, आई लाइक इट क्वाइट। मुझे सब पसंद है, मुझे आई लव माय जॉब, आई लव माय प्रोफेशन, आई लव एक्टिंग, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव पेंटिंग, आई लव डूइंग पॉटरी, सो एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट एंड हिस्ट्री आई रियली लव। और बच्चे उसमें आप इंग्रेडिएंट ऐड कर दो तो आई लव इट इवन मोर। अच्छा लगता है आई गेस, क्योंकि आप इतनी मेहनत से हर एक फिल्म जो बनती है उस पर बहुत सारी मेहनत जाती है। सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दैट यू गेव सो मच लव टू मेरी चाइना ट्रेलर एंड ओढ़नी एज रिलीज येस्टरडे। सो प्लीज़ कंटिन्यू गिविंग इट योर लव, एंड प्लीज़ see us till the end and come watch our movie this Diwali 2019. Oh my god, he is an institution. I mean wo itne acche aur spontaneous actor hai, matlab every single scene he has helped me out with, he is so humble. Mujhe in fact jab maine sign ki thi movie, mujhe bahut dar lag raha tha ki he is such a brilliant actor, how will I even act opposite him. But I guess hota ye hai ki jab कोई इतना अच्छा हो, या ही इज़ एक्सीलेंट एट वॉट ही डज, यू नो, सो इट ऑटोमेटिकली रब्स ऑफ ऑन यू, यू वॉन्ट टू डू बेटर, यू वॉन्ट टू लर्न। सो दिस मेड इन चाइना हैज़ बीन अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम राजकुमार, या मोस्ट डेफिनेटली। थैंक यू कहना चाहूँगी आपके इतने सारे प्रोत्साहन और गुड विशेज़ के लिए। ऑल्सो मुझे एक चीज़ जो मैंने अभी अभी अपने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट की थी कि आप लोग हर साल मुझे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स के थ्रू बहुत सारे फ्लावर्स भेजते हैं, चॉकलेट्स भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं। डोंट डू दैट, डोनेट टू समबडी लाइक स्माइल अकेडमी एंड स्माइल और यू नो खान अकेडमी एंड पीपल लाइक दैट हु आर इन नीड। इफ़ नथिंग एट ऑल, go donate something to an orphanage probably, go feed some dogs, help somebody cross the road, do something like that, and that will be the best birthday present for you, for me. So thank you so much for all your love and unconditional support for all these years. Thank you.